साल की लड़की के फ्री फायर गेम के शौक ने उसका और परिवार वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। गेम खेलने के दौरान लड़की की दोस्ती झारखंड के लड़के से हो गई। आरोपी अब लड़की के अश्लील फोटो वीडियो उसके ही पिता को भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है। बात नहीं मानने पर बेटी को मारने की धमकी भी दे रहा है। यही नहीं, 3 महीने से पिता नौकरी छोड़कर बेटी की देखभाल कर रहा है। उन्होंने SSP अमित सांघी से भी गुहार लगाई है। जनकगंज AB रोड की रहने वाली 16 साल की लड़की 10वीं की स्टूडेंट है। पिता किसी व्यापारी के यहाँ मुंशी हैं। उनकी एक बेटा और एक बेटी भी है। कोरोना के लॉकडाउन में पिता ने बेटी को मोबाइल दिला दिया था। उन्हें लगा इससे बेटी को पढ़ाई में मदद मिलेगी। इधर बेटी पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने लगी। इस दौरान उसकी दोस्ती झारखंड निवासी सन्नी उर्फ HR से हो गई। पहले गेम्स के जरिए दोनों बातचीत करते थे, फिर उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दूसरे से प्रेम का इजहार भी कर दिया। इसी दौरान सन्नी ने छात्रा को बातों में लेकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड जान लिए। कुछ दिन बाद उसने छात्रा के फोटो वीडियो हैक कर लिए। इसके बाद वह छात्रा और परिवार को ब्लैकमेल करने लगा। घर वाले परेशान हो गए तो छात्रा ने लड़के से बातचीत बंद कर दी। इसके बाद आरोपी ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो वीडियो लेकर उन्हें अश्लील बनाकर लड़की के पिता को भेजना शुरू कर दिया। बेटी को ऐसे फोटो देखकर पिता दंग रह गया। उसने उसी नंबर पर कॉल कर आरोपी को ऐसा ना करने के लिए कहा, जिस पर युवक उल्टा उसे ही धमकाने लगा। बोला, अभी तो तुझे भेजे हैं, ज्यादा हवा में उड़ा तो यह फोटो वीडियो पूरा शहर और रिश्तेदार दिखेंगे। आरोपी से लगातार मिल रही धमकियों के चलते छात्रा और उसका परिवार दहशत में है। हालत यह है कि जब से आरोपी ने ऑनलाइन गेम के जरिए आत्महत्या करवाने और उसे उठाकर ले जाने की धमकी दी है, पिता ने बेटी के लिए नौकरी तक छोड़ दी है। 3 महीने से वह काम पर नहीं गया है, सिर्फ बेटी की निगरानी कर रहा है। कहीं वो कुछ ना कर बैठे। SSP क्राइम राजेश दंडौतिया का कहना है कि एक माता पिता ने शिकायत की है कि ऑनलाइन गेम्स के जरिए बेटी की झारखंड के लड़के से दोस्ती हुई थी। अब वह उसे अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम करने की धमकी दे रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है। उनकी शिकायत पर जल्द एक्शन लेकर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। सर, मेरी शिकायत ये है कि मैंने लॉकडाउन में भी लड़की को एक मोबाइल दिया था पढ़ाई के लिए। क्या वो फ्री फायर गेम खेलती थी? फ्री फायर गेम खेलने के दौरान एक लड़का है सन्नी उर्फ HR ले लिए और उस फोटो पब्लिक ID फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। उस लड़की का कहना है कि आप मुझे अपनी लड़की दो, नहीं तो मैं आपकी बच्ची के फोटो आपत्तिजनक वायरल कर दूंगा। और एक प्रार्थी आए थे, उनके द्वारा बताया गया था उनकी बच्ची है जो कि नाबालिग है और उसका कोई वीडियो बनाकर उसको वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। इसमें तत्काल जो सेंसिटिव केस है इसको तत्काल प्रायोरिटी पर लेकर इसको क्राइम ब्रांच को शिफ्ट कर दिया है। क्राइम ब्रांच में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।